हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला रिटेल बेसिस फंक्शन राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करती है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की कुछ प्री रिक्विजिट है। लाइक इसके पहले के जो भी हमने कर्नल्स पढ़े हैं, लीनियर कर्नल, पॉलीनोमियल, एसवीएम के सारे कॉन्सेप्ट वो आपको पता रहना चाहिए राइट। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप वो वीडियोज जाकर देखो, तब यहाँ पर आओ तो आपकी समझ में आने वाली है राइट। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक कर्नल्स पढ़े हैं, हमने अब तक दो कर्नल्स पढ़ रखे हैं, लीनियर और पॉलीनोमियल राइट। इसमें हम थर्ड टाइप ऑफ कर्नल देखने वाले, अपना रेडियल बेसिस फंक्शन राइट। बेसिकली एसबीएम में आपको अपने से कर्नल प्रोवाइड नहीं करो ना, तो यही एसबीएम बाय डिफॉल्ट यही आरबीएफ ले लेता है। तो ये है हमारे पास आरबीएफ, ये हमारा डिफॉल्ट कर्नल रहता है, लेकिन आप खुद से ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन ही बोलते हैं इसे। और ये क्या होता है, यही हो गया हमारा रेडियल कर्नल ओके। और इसकी फंक्शन क्या होती है, ये बेसिकली ई टू द पावर माइनस गामा, और ये होता है एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल टू द पावर टू। ये एक्स और एल क्या है, हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है राइट। एक दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट में राइट, दो डेटा पॉइंट्स हैं बेसिकली। ऑब्जर्वेशन से बेटर वर्ड हो गया दो डेटा पॉइंट्स ओके। तो हमने लीनियर में, लीनियर और पॉलीनोमियल में एक एग्जांपल देखा था, हमने बीएमआई का एग्जांपल देखा था राइट, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे हमारे हमने क्या, हमने बीएमआई पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि हमारे पास कुछ अंडरवेट लोग हैं जो कि अनहेल्दी में आते हैं, कुछ हेल्दी पीपल हैं जो कि जिनका बी एम आई हेल्दी में है तो वो अच्छे हेल्दी में आते हैं, और हमारे पास कुछ ओवर वेट लोग हैं जो कि फिर अनहेल्दी में आते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है हमारे डाटा की। आप इसे हटा दो, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम 1D में ही देख रहे हैं। तो हमारे पास डेटा जो है लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दूसरी क्लास है, फिर बीच में दूसरी क्लास है, यहाँ पर फिर पहली क्लास आ गई, तो ये लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसे हम लीनियर एस वी सी से अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा बेसिकली अंडर फिट कर देगा हमें ओके। तो आप इसमें पॉलीनोमियल यूज़ कर देते हो, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करने वाले आर बी एफ। तो आर बी एफ होता क्या है, पहले हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये देता क्या हमें। तो लेट अस से हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, लेट अस से मैं कह देता हूँ 15 है ओके। मे बी ये बी एम आई पॉसिबल ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी के लिए कंसिडर कर लो कि 15 है हमारे पास कुछ राइट। और लेट अस दूसरी का पॉइंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू 18 है, ये सब अंडर वेट में आता है। मैं हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा फिजिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन अभी के पास अज्यूम कर लो कि 15 80 राइट। अज्यूम करो तो कुछ नहीं जा रहा राइट। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ राइट। अब देखता हूँ अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गामा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ ओके। हमारा फंक्शन हम कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर ले, अभी के लिए मैं गामा 1 लिख देता हूँ ओके। तो गामा 1 लिखने से पहले मैं बताता हूँ गामा है क्या। गामा कुछ नहीं है, गामा बस स्केलिंग फैक्टर है ओके। और इस गामा की वैल्यू ना हम क्रॉस वैलिडेशन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम पैरामीटर्स की वैल्यू अब तक तो कैसे निकालते हैं, हमने ग्रिड सर्च किया, हमने रैंडमाइज सर्च किया है, वैसे ही हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं राइट। अब आगे देखते हैं, गामा की वैल्यू हमने 1 ले ली राइट। अब क्या करें, हम यहाँ पर इस ई की वैल्यू निकालते हैं, ई टू द पावर माइनस गामा 1 है तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, और एक्स लेता हूँ, एक्स की वैल्यू मुझे मैंने मान लो 15 ली, और वाई एल की वैल्यू मैं 18 ले रहा हूँ, इसकी स्क्वायर तो ये हो गई ई टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, ई टू पावर -9 ओके। ये कुछ भी वैल्यू मिला, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम, मुझे पता भी नहीं करना है, मुझे बस कंपैरिजन करनी है। अब सपोज मैं दूसरी पॉइंट ले लेता हूँ, मैं इस साइड की एक पॉइंट ले रहा हूँ राइट, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ सपोज 40। अब देखना, अब अगर मैं दोबारा ये फंक्शन निकालू ना तो क्या आएगा मेरे पास, ई टू द पावर -15 -40 to the power 2, और ये क्या हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस, ये होगा 25, 25 का उसका -625। तो आप देख सकते हो क्योंकि वैल्यू निगेटिव में है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी स्मॉल हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत बड़ी है राइट। तो बेसिकली जिस जैसे जैसे ये पॉइंट्स दूर होते जाएंगे, वैसे ही इनकी बीच की जो रिलेशनशिप वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो रेडियल बेसिस फंक्शन है ना, वो थोड़ा बहुत नियरेस्ट नेबर की तरह काम करता है। आप आगे चल के पढ़ोगे नियरेस्ट नेबर के नियरेस्ट नेबर कुछ कुछ वैसा ही, तो ये नियरेस्ट नेबर जैसा काम करता है। ये कैसे काम करता है कि ये जो नियरेस्ट नेबर्स है ना, उनसे ज़्यादा ये क्या कह रहा, उनसे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है लाइट।
तो इन इनकी वैल्यू से जितना इफेक्टेड रहेगा, यहाँ को मान लो कि मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया नया, टच से मैं यहाँ नया पॉइंट डाल रहा हूँ, तो इसके जो आसपास के जो एलिमेंट्स, जो इंस्टेंसेस होंगे, जो वैल्यूज होंगे, उससे यह ज़्यादा डिपेंडेंट होगा इन प्लेस ऑफ जो दूर एलिमेंट्स है। तो इससे जो डिपेंडेंसी होगी वो इससे बहुत कम होगी, राइट। जैसे जैसे एलिमेंट दूर, जैसे जैसे डेटा दूर होता जाएगा, वैसे ऐसी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, राइट। तो यही इसे शो हो रहा है। जैसे जैसे मैंने डेटा दूर लिया तो हमें इसकी रिलेशनशिप बहुत कम मिली, और इसकी रिलेशनशिप फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, राइट। अब आगे देखते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब जैसे मैं देखता हूँ कि ये जो पॉइंट ये है, ये अपने हमने इस फंक्शन में वैल्यू देख ली, लेकिन भला ये जो है ना वो शो क्या करता है। ये बेसिकली हमें इनफाइनाइट डिमेंशंस में रिलेशनशिप देता है, इनफाइनाइट डिमेंशंस। अब बोलेंगे भैया हमें तो 2D 3D में परेशानी हो जाती है, आप इन्फिनिटी में क्यों ला रहे हो? तो आप डरो मत, आपको इसमें विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है इन्फिनिटी डिमेंशन विजुलाइज करना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आखिर ये इन्फिनिट डायमेंशन में इस रिलेशनशिप काम कैसे करती है, राइट। इसको हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे क्योंकि इन्फिनिट डायमेंशन में ग्राफ बनाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम विजुअलाइज तो कर देते हैं, राइट। तो वो कैसे करेंगे? तो इन्फिनिट डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? तो जैसे इन्फिनिट डायमेंशन, जैसे हम पॉलीनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे, पॉलीनोमियल फंक्शन में अगर डेटा 1D में डिविजिबल नहीं है, क्लासिफिकेबल नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम उसे 2D में देते थे, 2D में पॉसिबल नहीं है क्लासिफिकेशन तो 3D में देखते थे, ऐसे ऐसे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसे हम इन्फिनिट डिमेंशन में देखते हैं। वो काम कैसे करता है, तो उस वहाँ जाने से पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखूँगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज़ देखने से पहले मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इन्फिनिट डिमेंशन में इसको इमेजिन कैसे करें। तो इन्फिनिट डिमेंशन इमेजिन करने के लिए मुझे वापस से पॉलीनोमियल कर्नल की हेल्प लेनी पड़ी। पॉलीनोमियल कर्नल हमारे पास क्या था, जैसे एक्स और एल है हमारे पास, तो एक्स इंटू एल प्लस वॉट आर, और इसका समथिंग टू द पावर डी था, ये को डिग्री थी। अब सपोज मैं अभी के लिए मैं आर को 0 कर देता हूँ, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, एक्स इंटू एल टू द पावर डी, और मैं डी को कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं डी को 1 रख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इंटू एल, और ये क्या हो गया, एक्स डॉट एल। वैसे मैं डी को 2 लिख दूँ तो मुझे एक्स डॉट एल टू द पावर 2 मिलेगा, एक्स क्रॉस एल, एक्स इंटू एल टू द पावर 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, राइट। ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ऐसे ही जो भी होते वो मिलते जाएगा। तो डी टू द पावर, डी को इन्फिनिटी दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, तो मुझे एक्स इन्फिनिटी डॉट डी एल इन्फिनिटी मिल जाएगा, राइट। तो आप बोलो ये आप कर क्यों रहे हो, तो वो आप मुझे वो आप थोड़ी देर में देख लोगे कि मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने, तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूँ, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अभी के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ जल्दी से थिंक करने को। तो मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट हम इसमें से एक्स है, दूसरा एल है, राइट। अभी के लिए आप बस अज्यूम कर लो ये एक्स है, यहाँ एल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मैं एक्स एक्स ही है, एल एल ही है, तो अभी कोई चेंजेस ही नहीं है, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कुछ यहाँ पर होगी, एल की स्क्वायर और बड़ी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, राइट। तो अब यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये कब होता था, जब हम पॉलीनोमियल फंक्शन में थे, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम इसमें कुछ एडिशन नहीं कर रहे, राइट। तो ये क्या होगा, एक्स जो यहाँ वैल्यू है, सपोज लेट अस से इसकी वैल्यू 5 थी, ओके, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर होकर 25 कुछ यहाँ पहुँच जाएगी, और एल की वैल्यू अगर 10 थी तो इसकी वैल्यू 100 कुछ इधर पहुँच जाएगी। लेकिन देखना ये बात, अब ध्यान से नोटिस करना कि डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है, अभी ये 1D में ही है। क्यों 1D में है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये बस ऐसे वैल्यूज चेंज हो जा रहा है, ये अब भी 1D में ही है। पॉलीनोमियल में डायमेंशन क्यों चेंज होती है, क्योंकि ये आर की वजह से, ये आर क्या करता है, ये डायमेंशन चेंज कर देता था, राइट। इधर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ, ये बस ऐसे ही है, ये इकलौता वैल्यू है एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, मैं बस ऐसा लिख दे रहा हूँ, तो ऐसी वैल्यूज आ जा रही है, राइट। अब क्या होगा, अब मैं एक्स क्यूब के लिए देखता हूँ, एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, ये 525 बन जाएगा, तो 125 आगे कुछ होगा, और ये 110,000 बन जाएगा, कुछ दूर ही होगा। तो जैसे जैसे मैं फंक्शन बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स दूर होते जा रहे हैं, मगर रह 1D में ही रहे हैं, ओके। ये बात को समझना जरूरी है। लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स डॉट एल, एक्स इंटू एल, ओके,
तो एक्स एल प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कर दो, मैं दो फंक्शंस को ऐड कर रहा हूँ राइट, मैं डिग्री वन फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, मैं डिग्री टू फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, तो ये हमें क्या देगा, ये बेसिकली हमें अब ये ऐड कर रहा हूँ राइट, हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हम डायमेंशन चेंज कर रहे हैं अब, और इसकी डिग्री क्या है, टू है, डायमेंशन चेंज होने पर डिग्री टू है, इसका मतलब हमारा नया जो हो रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये बात आपको याद होगी ना, हमने कुछ एक ट्रिक पढ़ी थी कर्नल ट्रिक, तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ बस कैलकुलेशंस हो रही है, डेटा वैसे का वैसे ही रह रहा है, तो हमारा बहुत कॉस्ट बच रहा है राइट। तो यहाँ पे कर्नल ट्रिक यूज हो रही है और डेटा ऐसा विजुअलाइज हो रहा है राइट। तो कुछ ऐसा स्क्वायर फंक्शन, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ वैल्यू स्क्वायर ही, तो ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे कर्व टाइप से राइट, तब समझ सकते हो राइट। ये मैंने ऐसा किया, तो ये क्या हो रहा है, मैंने एक्सेल लिखा था, तो ये बेसिकली ये कुछ नहीं है बल्कि ऐसा है एक्स एक्स स्क्वायर, और इसके साथ है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एल एल स्क्वायर, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम यही मिलने वाला राइट। उसके बाद अगर मैं इसे क्यूब ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, अब हमने क्यूब किया तो अब हमें अंतर कहाँ चलेगा, अब हम थ्री डायमेंशन में चले गए, तो हमारे पास बेसिकली एक और डिमेंशन आ गई, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और हमारे पास एक और डिमेंशन आ गई, हम अब थर्ड डिमेंशन में जा चुके हैं, और अब हमें जो प्लेन मिलेगा, हमें हाइपर प्लेन कुछ 3D में मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा देख सकते हो आप इसे, कुछ ऐसा मिलने वाला है, तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ कि 3D हाइपर प्लेन मिलेगी, और हम अब 3D में घुस चुके हैं राइट। इसका मतलब क्या, हम अब थ्री डिमेंशन घुस चुके हैं, तो अब हम थ्री डिमेंशन का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट लेकर चलेंगे, और वो कैसे दिखाया जाएगा, बेसिकली इसे हटा दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब एक्स क्यूब भी आ जाएगा, और ये एल एल स्क्वायर, और इसके बाद एल क्यूब भी आ जाएगा राइट, यहाँ पर हमारे पास एल क्यूब आ गया। वैसे ही अगर मैं इसे ऐड करता जाऊँ तो यहाँ एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी मुझे मिलेगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स इन्फिनिटी तो मैं जाऊँगा, इसके बाद मुझे क्या मिल गया, एल एल स्क्वायर, यहाँ पर एल क्यूब, और यहाँ मैं एल टू द पावर इन्फिनिटी तक जाऊँगा राइट। तो ये मैंने निकाल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हम कर रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ये विजुअलाइज करने के लिए कि आखिर इनफिनिट इनफाइनाइट डायमेंशन में रिलेशनशिप आ कैसे रही है। तो अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया तो आप बस आप ट्राई करो कि ऊपर ऊपर समझ लो कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है, आपको ये हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा कि आप रिलेशनशिप निकाल के देखा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ राइट। ओके तो अब देखते हैं उस भला, अब आपका क्वेश्चन, अब नॉर्मल क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए राइट कि ये आपने तो पॉलीनोमियल से निकाल दिया, भला इसकी रेडियस से क्या रिलेशनशिप है राइट। तो इससे e टू द पावर माइनस गामा टू द इंटू एल एक्स माइनस एल स्क्वायर से क्या रिलेशनशिप है, अब देखना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं गामा के लिए 1/2 लिख सकता हूँ, अगेन मैं अपनी वैल्यू अपने मर्जी से वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस एल स्क्वायर राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। अब मैं इसे ओपन कर दूँ ना तो देखना क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्स एल स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा एक्स एल प्लस एक्स एल, और इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास ई टू द पावर एक्स एल बच गया राइट। ओके तो आपने अपने मैथ स्टडी में एक सीरीज पढ़ी हुई टेलर सीरीज, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ई टू द पावर एक्स को एक्सपेंस कर सकते हैं, और कैसे, ई टू द पावर एक्स की टेलर सीरीज होती है बेसिकली 1 + 1/(1 इंटू एक्स प्लस 1/(2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/(∞) टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर इन्फिनिटी, ये कोई एक्चुअली टर्म नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी तक जाती है राइट। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हमने ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पर, अगर e टू द पावर एक्स है हमारे पास कौन सा टर्म है, e टू द पावर एक्स एल, मैं इसमें एक्स की वैल्यू एक्स एल रख दूं तो e टू द पावर एक्स एल क्या हो जाएगा, 1 + हमारे पास आ जाएगा 1/(1)₁। यहाँ पे एक्स एल आ जाएगा, तो बेसिकली ऊपर हमारे पास एक्स एल आ जाएगा राइट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्स एल ही लिख देता हूँ, एक्स एल अपॉन 1 राइट। हम अब मैं इसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसके बाद एक्स क्यूब एल क्यूब अपॉन 3 प्लस प्लस क्या होगा, एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी अपॉन 1/(∞). तो आप देख सकते हो सकता है कि आपको अब
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने रिलेशनशिप निकाल क्या रहे हैं। ओके, तो अगर आप देखो ये क्या है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्स एल प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एल क्यूब प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, एल एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी। तो ये आप देख सकते हो ये सारे जो टर्म है, एक्स एल एक्स एल यहाँ भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, एक्स क्यूब एल क्यूब भी वहाँ आ रहा है, एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी वहाँ आ रहा है। तो बेसिकली हम सेम थिंग कर रहे हैं। ओके, तो मैं जानता हूँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको जानता हूँ कैसे लिख दोगे, मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये बात ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट चल जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल रहेगा, राइट। उसके बाद ये के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस यहाँ पर 1/√1/2 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ रूट क्यों कर रहा हूँ समझ में आने वाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ मैं इसे डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, √1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स क्यूब एल क्यूब, ये ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाने वाला है, राइट। और इसके डॉट प्रोडक्ट में जाने तो क्या रहेगा, यही टर्म वापस आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं अंडर रूट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमें यही मिलने वाला है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये, तो आपस हमें यही मिलने वाला है, राइट। इसलिए मैंने अंडर रूट कर दिया ताकि हम इसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सके। ओके, तो यहाँ एक्सेल, तो यहाँ भी एक्सेल होता, यहाँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ किया है, राइट। हमने यहाँ पे स्क्वायर तक गए तो हमने एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर लिया था, तो यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमने यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाना है। ओके, यहाँ पर अंडर रूट 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एल क्यूब, और फाइनली कहाँ तक जा रहे हैं हम, अंडर रूट 1/∞ फैक्टोरियल और एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी, राइट। तो कुछ ऐसा बन रहा है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है लेकिन आप समझने की ट्राई करो, राइट। ओके, ऐसा हमने निकाल लिया। ओके, अब देखो इसके मतलब क्या होता है, अब हमने ऐसे डॉट प्रोडक्ट में निकाल लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमने कुछ टर्म निकाला है, ये e^-1/2 x²l², इसको मैं ऐसे लिख सक इंटू e^xl, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e^-1/2 √x²l² √e^-1/2 x²l² l² + l², और इसके इंटू e^xl। ओके, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको रूट रूट में कर दिया, तो ये बेसिकली हाफ ऑफ अंडर रूट कर ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद यही बन जाए, राइट। और ऐसा क्यों किया ये आप देखना, ऐसा मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ये हमने निकाला, ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, राइट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कुछ ऐसा आया, राइट, 1+1/1 फैक्टोरियल √+1/2 फैक्टोरियल √+ ऐसा समथिंग आया है, और यहाँ पर एक्सेल है, यहाँ पर भी एक्सेल है, x²l² है, सॉरी यहाँ पर x²l² है। ओके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अंडर रूट नहीं है, राइट, ये अंडर रूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये अंडर रूट नहीं है, कंफ्यूज मत करना यहाँ पर। ओके, तो आप अगर इसे खुद से पेपर पे करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, मैं उतने अच्छे से नहीं लिखता। ओके, और इसके साथ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ है, राइट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास है 1+√1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल है हमारे पास, यहाँ पर एक्सएल है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये भी अंडर रूट है, हमारे पास x²l² है, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब ये डॉट प्रोडक्ट में है और बाहर हमने ये दोनों टर्म्स निकाल लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक टर्म को मैं अंडर रूट इसको एस मान लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, इसको मैं एस मान रहा हूँ, राइट। तो ये एस यहाँ लिख दूँ और एक दूसरा मैं दूसरे टर्म डाल दूंगा, ये एस यहाँ लिख दूँ, राइट, सेम थिंग हो गई। अब इस एस को मैं अंदर डाल सकता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s√1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक्सएल और एस आ गया हमारे पास, +1/√1/2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, यहाँ भी एस रहेगा क्योंकि एस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी वैसे ही आ जाएगा, s+1/1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्सएल, यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी एक्सएल, x² l²
यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एस आ जाएगा और ऐसे चलते रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये हमने क्या निकाला, ये यहाँ पर बीच में क्या, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इतना समझ में, बस इतना देख लो, इतना समझ लो फाइनली, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट, ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी टर्म डॉट प्रोडक्ट अप टू इन्फिनिटी टर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम एंड इन्फिनिट डिमेंशन में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हमने वन डायमेंशन के लिए वन डिग्री तक निकाली थी, टू डायमेंशन के लिए टू डिग्री तक, तो इन्फिनिट तक हमें डॉट प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इन्फिनिट तक कर रहे हैं, राइट। इसीलिए इसीलिए ये बेसिकली है क्या, ये यही तो है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल टू द पावर टू, यही तो है, राइट। यहाँ पर इसी का एक्सपेंशन तो अभी हमने किया है, यही तो हमने निकाला, इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिट डायमेंशन में हमारी रिलेशनशिप है। तो इतना हमने किया, आई होप आपको समझ में आया। अब हम जल्दी से थोड़ा कोड कर लेते ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हम रेडियल डायमेंशन यूज कैसे करते हैं, राइट। हम आ गए हैं अपने कोलैब के ऊपर। तो फटाफट से यहाँ पर हम आरबीएफ कर्नल, आरबीएफ जो कर्नल है हमारा, उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आज यूज करने वाले हैं डायबिटीज डेटा सेट। तो फटाफट से देखते हैं डायबिटीज डेटा सेट कैसे करना है। मैं कुछ प्रिलिमिनरी कोड फटाफट से लिख देता हूँ। लाइब्रेरी डायरी वर्स, ये थोड़े से कोड है, मैं फटाफट लिख दूंगा, आप ऑलरेडी इस कोड से फैमिलियर होंगे। रीड ESV एंड हाँ, एक बात और मैंने क्या किया है, जो डायबिटीज का डेटा सेट है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ अपने कोलैब एनवायरमेंट में। तो देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायबिटीज का डेटा सेट मैंने ऑलरेडी अपने कोलैब एनवायरमेंट में अपलोड कर रखा है। आप यहाँ डायबिटीज का डेटा सेट कैसे ले सकते हैं, ठीक है, मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ डायबिटीज डॉट CSV एंड लेट्स रन। यस, हमारा DF एंड डेटा फ्रेम बेसिकली डेटा क्रिएट हो गया, डेटा आ गया है। अभी कम करके इसका हेड प्रिंट करके देख लेते हैं फटाफट से। या तो रन हो रहा है, हमारे पास कॉलम्स प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज, या ओके कॉलम्स हैं हमारे पास। हमारा जो फाइनल कॉलम है जो हमें एक्चुअली में प्रिडिक्ट करना है, यस और नो, यानी वन और जीरो, उसका नाम है आउटकम। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस कोड में, याद रखना आउटकम में O कैपिटल है। हम एक काम करते हैं, आउटकम में हमारे पास दो यूनिक वैल्यूज है, वन और जीरो, इसके अलावा कोई और वैल्यू भी है इसमें, फटाफट चेक कर लेते हैं। यूनिक वैल्यूज हमें कहाँ देखनी है, डेटा फ्रेम में देखनी है, यदि इनफैक्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेटा फ्रेम और उसमें नाम दे देता हूँ मैं आउटकम, ओके, जो इसकी यूनिक वैल्यू चेक करनी है, वन एंड जीरो। तो वहाँ पर दो यूनिक वैल्यू है बस, वन और जीरो, ओके, वी आर गुड टू गो। तो अब एक काम करते हैं, वहाँ पर जो यूनिक वैल्यूज है वो कौन सी फॉर्मेट में है, डबल, देखो यहाँ पे DBA लिखा है, DBA डबल, एज तो डबल है, चलो चल जाएगा, वहाँ जो आउटकम है वो भी डबल है, ओके। तो हमें आउटकम को बेसिकली ऑर्डिनल अकॉर्डिंग से कुछ करना होगा, तो इसके लिए हमें फैक्टर्स यूज करने वाला होगा, फटाफट से फैक्टर्स ले लेते हैं, ओके। तो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में जाना है, डेटा फ्रेम में से आउटकम नंबर कॉलम सेलेक्ट करना है, उसे कन्वर्ट कर देना है फैक्टर के अंदर, और फैक्टर जो फंक्शन मैंने कॉल किया इसके अंदर मैं पास करूंगा डेटा फ्रेम का आउटकम कॉलम। और इसे मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैं लेवल्स बेसिकली ऑर्डिनल एनकोडिंग कर रहा हूँ, तो लेवल्स होते हैं इसमें, यानी रैंक डिसाइड कर रहा हूँ, तो लेवल मुझे बताना, स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि लेवल्स इसमें क्या क्या है। तो सी मैंने ले लिया, या सी फंक्शन कंबाइन करने के लिए, और मेरे पास जीरो और वन है, तो जीरो वन में चलते हैं। तो ये मेरा डेटा फ्रेम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है, बेसिकली जो डेटा फ्रेम का लास्ट कॉलम है, आउटकम वाला कॉलम, वो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से स्प्लिट कर लेते हैं, राइट। तो स्प्लिट करने के लिए मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, पैकेज का नाम बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारा वो सी टूल्स में अवेलेबल है, तो इस पैकेज में इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सी ए टूल्स, लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ेगी, एंड 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 सी ए टूल्स को यूज करने के लिए मुझे एक सीड वेरिएबल सेट करना होगा, तो सेट डॉट सीड, ये रैंडम सेट वाली बात है, 42, ओके, 42 ठीक है। स्प्लिट, ओके, स्प्लिट इज इक्वल, मुझे एक स्प्लिट क्रिएट करना है, तो स्प्लिट मुझे कितने परसेंट डेटा भी चाहिए, सैंपल कर लेते हैं, सैंपल डॉट स्प्लिट, ओके। अब डेटा फ्रेम में चलते हैं, और डेटा फ्रेम कौन सा कॉलम चाहिए था, आउटकम
ओके, मैं इसमें बेसिकली अपना टारगेट कॉलम ओवर स्पेसिफाई करा रहा हूँ। इसके बाद मुझे स्प्लिट रेशियो देना होगा, मुझे स्प्लिट रेशियो कितना होना चाहिए। स्प्लिट रेशियो होगा हमारा 67 ले लेते हैं। ओके 0.67, लेट्स एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। मैं जनरली 80 और 70 लेता हूँ, आज 0.67 यानी 67% लेके देखते हैं क्या होता है। ओके ट्रेनिंग सेट, मुझे एक बार ट्रेनिंग सेट बेसिकली स्प्लिट क्रिएट कर लिया, तो स्प्लिट का यूज करके आप मैं ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट बनाऊंगा। स्प्लिट की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका मतलब वो ट्रेनिंग सेट रिटर्न करेगा, स्प्लिट की वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो टेस्ट सेट रिटर्न करेगा। बेसिकली फॉल्स मतलब कि जो भी बचा है ट्रेनिंग के अलावा उसको। तो ट्रेनिंग सेट इज इक्वल टू सबसेट, मुझे सबसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके अब सबसेट किसका क्रिएट करना है, तो डेटा फ्रेम का करना है, डेटा फ्रेम का करना है। और स्प्लिट की वैल्यू क्या रखना है मुझे, इक्वल टू ट्रू। ओके और इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये काम मुझे अगली लाइन में टेस्ट के लिए करना है। सबसेट क्रिएट करना है डेटा फ्रेम का, डेटा फ्रेम का नाम डी ए वी है ना ऊपर, या ओके। और ट्रेनिंग सेट को मुझे टेस्ट सेट लिखना है, टेस्ट सेट इसे कर देते हैं रन। हमारे ट्रेनिंग और टेस्ट सेट या क्रिएट हो गए। ओके तो ये काम करते हैं, ट्रेनिंग सेट प्रिंट करके देख लेते हैं। वैसे ये इस वीडियो के स्कोप का पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमें बेसिकली कर्नल इंप्लीमेंट करना देखना है, इसलिए कोई बात नहीं देखते हैं। या देखो लास्ट देखो जो हमारा आउटकम था, यहाँ पे देख रहे हैं वाला पार्ट, आउटकम आउटकम जो था हमारा पहले डीबीएल था, डबल वैल्यू थी, अब फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके वी आर गुड टू गो, तो हम सही चल रहे हैं। या तो अभी काम करते हैं, हमें हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है, अब हमें क्योंकि एसवीएम इंप्लीमेंट करना है तो एसवीएम के लिए हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और एसवीएम कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, इंस्टॉल पैकेजेस, नाम बताओ भाई लाइब्रेरी का, E1071 E1071। तो इसमें हमारी क्या इंस्टॉल है, लाइब्रेरी है यहाँ पे हमारा, जैसे हाँ यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हमारा एसवीएम है। तो मैं इस लाइब्रेरी को कॉल करें, तो लाइब्रेरी E1071। ओके और उसे कॉल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लासीफायर, बेसिकली क्लासीफायर डिपेंड करना है मुझे। तो क्लासीफायर डिपेंड कैसे करूँगा मैं, क्लासीफायर का कुछ नाम रख लेते हैं, क्लासीफायर ही रख लेता हूँ, क्लासीफायर इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे एसवीएम यूज करना, तो मैं एसवीएम क्लास को कॉल करने वाला हूँ, एसवीएम क्लास का। बेसिकली जो क्लासीफायर है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसमें मैं स्पेसिफाई करूँगा जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेसिकली मैं इसमें स्पेसिफाई करने वाला हूँ कि कौन सा कॉलम है मेरा जो टारगेट कॉलम है। तो मेरे केस में वो कॉलम का नाम है आउटकम। ओके एक टिल्ड साइन डॉट कॉमा एंटर। ओके टैब लेते हैं, मुझे डेटा स्पेसिफाई करना है कि जो डेटा मेरा ट्रेनिंग का वहाँ है, तो ट्रेनिंग सेट में पड़ा है, ट्रेनिंग सेट वेरी गुड। इसके बाद मुझे टाइप बताना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखो एसवीएम, एसवीएम को मैंने कॉल किया, अब एसवीएम को दुकान में इस्तेमाल कर सकते, क्लासिफिकेशन में भी, रेग्रेशन में भी। तो टाइप से मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ कि मैं इस एसवीएम को क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, और किस टाइप की क्लासिफिकेशन के लिए, सी। ओके जी ले लेते हैं सी क्लासिफिकेशन। ओके कोमा, अब जिसके लिए ये वीडियो बन रही है वो वैल्यू कर्नल, कर्नल। ओके तो कर्नल इज इक्वल टू, क्योंकि हमें आरबीएफ करना है, आरबीएफ क्या होता था, रेडियल रेडियल बेस फंक्शन। तो हमें काम करते हैं यहाँ पे, तो जो कीवर्ड है इसको आइडेंटिफाई करने का इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो है रेडियल, तो ये आरबीएफ फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके रेडियल फंक्शन में कॉल किया, क्लासीफायर क्रिएट हो चुका है। अब इस क्लासीफायर को हमें टेस्ट करना है। ओके क्लासीफायर बना दिया, अब टेस्ट करने के लिए कुछ प्रिडिक्शन पहले ले लेते काम करते हैं। बाइप्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बाइप्रेड इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम, इसको अब हमें क्या है ना प्रिडिक्ट करना, मुझे सजेशन नहीं चाहिए अभी, पी आर ई टी एस ई टी प्रिडिक्ट, अब प्रिडिक्ट करना है। इसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा अपने क्लासीफायर का नाम, क्लासीफायर का नाम मेरा क्लासीफायर। ओके क्लासीफायर के बाद मुझे डालना पड़ेगा जो मेरा, जब जब मैं प्रिडिक्शन ले रहा हूँ तो किस डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, तो उसे बोलते हैं हम न्यू डेटा। ओके और मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ किस डेटा के ऊपर करूँगा, टेस्ट सेट के ऊपर। तो ठीक है हम चलते हैं हम, या टेस्ट सेट मुझे एक चीज़ और जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, लिटरली कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारा लास्ट कॉलम है
टेस्ट डेटा का भी जो लास्ट कॉलम वो आउटकम है, अभी भी आउटकम है, टेस्ट डेटा का जो लास्ट कॉलम वो आउटकम है, वो जो कि हमारी टारगेट वैल्यू है, और हमें उस टारगेट वैल्यू को हटाना होगा। तो या तो मैं इसमें नाम डाल दूँ आउटकम का, या फिर ये मेरा फेवरेट तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम है इसमें। तो काम करते हैं, यहाँ पे -9 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट वाला कॉलम रिमूव करना है, तो -9 जो 9th कॉलम है वो रिमूव हो जाए। ओके, आप लोग पहले से अवेयर होंगे कि आर के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है। तो 9 मतलब 9 कॉलम, 9th कॉलम। ओके, तो मेरा वाइप रेट आ चुका है, अब मुझे ये करना चाहिए, हम ये काम करते हैं, सिंगल डेटा फ्रेम बना दे पहले, तो पैनल ओके पैनल इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम में क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में क्या होगा, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा टेस्ट डेटा है, जो बेसिकली टेस्ट डेटा था उसमें क्या था, फीचर्स थे, या जो कॉलम था हमारे मेन कॉलम, फिर एक टारगेट कॉलम था जो एक्चुअल वाई की वैल्यू थी, और फिर मेरे पास आई है प्रिडिक्टेड वाई की वैल्यू। मैं काम करता हूँ उस टेस्ट सेट के साथ प्रिडिक्टेड वाई की वैल्यू को भी अटैच करते हैं। एक टेबल होगा मेरा एक्स टेस्ट का, जिसमें मेरे पास पहले से एक्चुअल वाई की वैल्यूज पड़ी हुई है, साथ में एक और कॉलम ऐड कर दूंगा प्रिडिक्टेड वाई, एक फाइनल डेटा फ्रेम बन जाएगा, फिर हमारे जगह फाइनल डेटा फ्रेम को रेफर कर लेंगे। ओके, तो फाइनल डेटा फ्रेम बनाना है, कंबाइंड क्लेसी यूज कर लिया हम, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा नहीं था भाई, अंडरस्कोर था टेस्ट डेटा। ओके, और हमें वाई प्रिंट देना है, वाई प्रिंट। सो काम करते हैं, पहले अपना प्रिंट भी करके देखिए, फाइनल। ओके, एरर, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, टेस्ट डेटा मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, क्या स्पेसिफाई नहीं किया भाई, ओके टेस्ट डेटा है ही नहीं, टेस्ट सेट है, तो बताया करो ऐसे कुछ हो तो बता दिया भैया, आप कुछ मिस कर। ओके, तो ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया, पूरा प्रिंट कर दिया गया, देखो कॉलम्स वही सारे, ये जो कॉलम आउटकम, आउटकम तक का जो कॉलम है वो हमारे टेस्ट डेटा में पहले से अवेलेबल था, और देखो प्रिडिक्टेड क्लास वाला जो कॉलम है ये हमारा नया कॉलम ऐड हो गया। ओके, तो देखो जब एक्चुअल वैल्यू वाई थी तो हमारे मॉडल ने भी वाई वन रिटर्न किया, सॉरी वन, जब हमारी एक्चुअल वैल्यू जीरो थी हमारे मॉडल ने भी जीरो रिटर्न किया, हमारी एक्चुअल वन थी तो मॉडल ने भी वन किया, देखो यहाँ पर मॉडल फेल हो गया, हमारी एक्चुअल वन थी तो मॉडल ने जीरो दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, ये सब तो होता रहेगा, इनफैक्ट मैं बंद कर देता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फाइनल हमने डेटा फ्रेम बना लिया है, अभी काम करते हैं फटाफट से ना, एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं, सी एल इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हम इनफैक्ट क्या मैं कैरेक्ट लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ, नहीं हम टेबल बना, डायरेक्ट टेबल, हमारे पास टेबल पहले से अवेलेबल, बेसिकली जो टेबल हमारा फंक्शन अवेलेबल है तो हम उस टेबल फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। फाइनल मैं इसमें स्पेसिफाई कर देता हूँ, मुझे रोज नहीं चाहिए, यानी मैंने कॉमा लगा दिया पहले, जो पहले कॉमा है उसका मतलब ये कि मुझे रोज नहीं चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए, तो अब मैं कॉलम की बात करने वाला हूँ। ओके, और मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, तो प्रिंटेड कॉलम, यानी कॉलम नंबर 10। ओके, 10, एंड मुझे चाहिए कॉलम फाइनल, कॉलम नंबर 9 चाहिए, मैं सी एम को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ। ये मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है, प्रिटी वेल। तो अब बात है एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी हम एक्यूरेसी को हम काम करते हैं मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, कैसे होती है, देखो एक्यूरेसी कैसे क्रिएट होती है, सम ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ, वैसे भी करनी तो है ही, तो डायगोनल सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ व्हाट, डायगोनल ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एंड 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 लास्ट में करते हैं एक्यूरेसी प्रिंट। ओके, ओ वाओ 84%, तो बस यही इम्प्लीमेंटेशन था, बेसिकली हमें कर्नल देखना था कि हम आरपीएफ कर्नल को कैसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, हमने डेटाबेस कॉल किया, डेटा फ्रेम को इंटेक किया, कर्नल में मैं फटाफट से कर्नल वाला पार्ट दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमने कर्नल में आरपीएफ के लिए रेडियल यूज किया है। ओके, एंड हमारी एक्यूरेसी आई है 84%, असल में भाई। सो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, होप आप सबको ये कोड समझ में आया, होप आप सबको आरबीएफ यूज करना आ गया, बेसिकली आरबीएफ करना कैसे यूज करते हैं एसवीएम क्लासिफिकेशन में, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करो और देखो, राइट, छोड़ के कुछ नहीं जाना, सीख के जाना, राइट। ओके, सो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, हैव अ नाइस टाइम।